something, keep your language clean. Clean. Yeah. Exactly. Simple as it. Don't become like the gang leader. Definitely. आप पहले कौन से गैंग में थे, आप उनकी लैंग्वेज मेरे सामने मत बोलना. Definitely, sir. वो मेरे ऊपर है, मेरे पे आएगा तो मैं दूंगा. देखो, बात करने का तरीका होता है सब चीज का, वो आता है. तुम लोग अपने, तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं, सब सारे तुम्हारे फैंस देख रहे हैं. यू गाइज वांट टू लुक गुड ऑन कैमरा. सर बताओ आज, डिग्निटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉपुलैरिटी. यस सर, ऑलवेज रिमेंबर दैट. मतलब सर, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी. तभी मैं पहले जा रहा था, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट. बट ये है कि कभी कभी देना पड़ता है ऐसे लोगों को, वरना वो आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं. yes, sir, जब आपको लगे आपको कोई नीचा गिरा रहा है, पोक कर रहा है बार बार, तो आप फिर दो, बट दैट टू विद क्लीन लैंग्वेज. ओके, चलो अब आज की बात करते हैं. आज का प्लान, प्लान तुम लोगों को पता ना किसको उड़ाना है. वाशु के अगेंस्ट okay, करो. वाशु एनीवे उस टाइम पे भी अलायंस में था नहीं. उसने कुछ सर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट गेम है तो अभी करना पड़ेगा. डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिफिकल्ट वो प्रिंस की तरफ से ही खेल रहा है. ठीक है, जो मैं आई थी ना वोट आउट में सेकंड नेम, उसने वेट वोट वेस्ट कर दिया था बेसिकली. प्रेम को करके वोट बेस कर दिया उसका कुछ. और सर अभी कुछ पर्सनल रहने गया, फिलहाल गेम के हिसाब से आपको जो डिसीजन दोगे वी आर रेडी फॉर इट. अभी फिलहाल तो गैंग के लिए एक काम करो. अभी सबसे पहली चीज़ ये है, कोशिश करो जीतने की. और पिछले टास्क में अलायंस नहीं थी रिया के साथ बिल्कुल भी, तभी राजवीर भी निकल गया. ठीक है, तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को कुछ बोला भी नहीं, जबकि मैं चाहता तो प्रिंस की गैंग से किसी को उड़ाता, बट तुम लोगों ने राजवीर को उड़ा दिया, विच इज़ फाइन, इट्स ओके. बट पीपल हु थिंक कि देर वॉज एन अलायंस, देर वॉज नो अलायंस. बट नाउ I want to play smart. I want to make an alliance for you guys. Okay. For that, you guys have to not target Riya's gang. If you guys want to get safe, आपको अगर बचना है अभी, नहीं मैं बता रहा हूँ ना. Yes sir. आप मेरे को follow करो. ठीक है sir. तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको voting अभी वाशु को करनी है, क्योंकि हमें उसी को target करना पड़ेगा Riya के gang में. But otherwise, आप लोगों के लिए मैं अलायंस बना रहा हूँ, सो दैट कल को अगर कुछ ऐसा होता है कि वोटिंग सेव करनी है, तो आप लोगों के प्रति वोटिंग ना आए रिया के. यस, और रिया एनीवे इज नॉट हैप्पी विद वाशु, बिकॉज़ वाशु इज स्टिल प्लेइंग फॉर प्रिंस. सर सारी वोट वाशु को. सर सो बेसिकली प्रिंस के जो गैंग है वो हमको टारगेट करने वाले हैं आज. अब वो भी तू टारगेट है मेरे हिसाब से. उसके लिए तुम जीतने की कोशिश करो. उसके लिए सर पूरी जान लगा दो, जीत जाएंगे पूरी जान. मैं पूरी कोशिश करूंगा, टारगेट अच्छा मारूं. ठीक है, और तुम लोग स्पीड रखना. स्पीड तो सर, स्पीड रखना सर. ये और बता दो, तू रखेगा स्पीड आज 100%. तू अपनी स्पीड दिखा. यस सर. और तुझे मैंने बता दिया ठीक है क्या करना है. सर ठीक है. अच्छा सर, एक और बात करनी थी. अच्छा, आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, कि अगर हम एक ही बंदे को आउट करें तो क्या सर वोट. But आज एलिमिनेशन भी तो ऐसा है ना, कितने एलिमिनेशन, तो गैंग लीडर विल एलिमिनेट राइट, और जो हम लोग अनसेफ करेंगे उनमें से एलिमिनेट होंगे. सर आई डोंट थिंक वाशु को रिया मैम आई थिंक निकलने देंगी. मतलब एक ये भी पॉइंट आप दिमाग में रखो, कहीं ऐसा ना हो रिया तो निकलने देगी. रिया उसको सुनाने वाली है. रिया तो खुद कह रही थी कि मैं तो इसके अगेंस्ट वोटिंग करवा दूंगी. मैम ने तो ये बोला था इसको टास्क खेलने भी नहीं दूंगी, बट उसको दिया आज. ठीक है सर. सो बट ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया ना टास्क में कि दो बंदों को करना है. नहीं नहीं सर, ओपन है वैसे वोटिंग, तो अगर करना है किसी को भी कर सकते हैं हम लोग ओपन. अगर हमारे 10 पूरे हो गए तो हम 11वां 12वां किसी और को भी डाल सकते हैं. मतलब अगर हमारे पास स्टॉक आ गया था. नहीं, अगर अलायंस डिवाइड ना करें वोट्स तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ना डालें. अभी मैंने अगर अलायंस बनानी है तो गड़बड़ नहीं कर सकते, वरना सर फिर वो व्हाट्सएप नंबर ही हमारे से भी हो रही है, जुड़ जाएंगे फिर वहां से भी दबा के वोट आएंगे. बट जब क्या होता है ना सर, जब 2-4 लोगों को वोट करना पड़ जाता है ना, तो हमारे ही कटेंगे हमेशा. बिकॉज़ सर पे नंबर गेम इज वेरी हेवी. प्रिंस की गैंग छह हो गया, वो उनको करना ही पड़ेगा नाम. तो हम लोगों के जैसे 3 उड़े थे ना, वैसे उड़ रहे हैं. वी नीड टू वीकन देयर वो नंबर गेम. एक और बात है ये कि अभी एक स्टेज तक हम लोग रिया मैम के साथ हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके पास रोडियम भी ज्यादा है. मुझे लगता है कि पूरी जर्नी में किसको इतने रोडियम नहीं मिले जितना उनके पास अभी है. और उनके पास सर वो वाली टीम है, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, बट जो कुछ टास्क भी नहीं आ रहे आप और वो सिर्फ फ्री फंड में आगे आ रहे हैं, एंड दे नो इट. देख सकते हैं वी फील बैड अबाउट इट. टाइम सिर्फ 7 मिनट का है. हां सर, 7 मिनट का टाइम है सिर्फ. वही मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम और लोगों को कर नहीं सकते हो वोट आउट भाई, कि भागने आने जाने में ये सब दोस्ती की वजह से. नहीं वो बात नहीं है, वोट आउट की बात कर रहे हैं सर. अभी की बात नहीं कर रहे, एक चीज मुझे क्लियर करनी है. वो वाशु को बचाएगी भी नहीं, बचाएगी नहीं सर. मुझे वही क्लियर करना है कि ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे वोट आउट करने से पहले, एलिमिनेट करने से पहले, कि मतलब गैंग लीडर बचा सकता है किसी को.
वो देखो मैं उस मामले में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ जीतने के हिसाब से सोच रहा हूँ. आप जीतो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, बाकी वो रही बात रोडियम और इस सब की, वो उसके बारे में सर आई बिलीव कि एटलीस्ट एक और नाम डालना चाहिए. वो अपने आप देखेगा, पता है ना उसको. आई बिलीव एक और नाम डालना चाहिए. किसका नाम सोच रहे हो आप? किसका किसका सोच रहे हो बताओ मुझे आइडिया दो. तो मैं सोच कुछ करता भी नहीं है. जो भी है यही बोले ऐसे. मेजॉरिटी बोल दो कोई बात. आइडिया दो करके मैं बता दूं. मेजॉरिटी वो अपनी प्रायोरिटीज बता देता है ना एक एक करके. आइडिया दोगे तो मैं सोचूंगा एक एक करके. प्रायोरिटी बता दो गाइस. ठीक है ओके बोलो आप. बोलो शहन अभिरूप अगर बोल रहे तो. अगर तुम्हारे अगर तुम्हारी स्पीड इतनी तेज है कि तुम लोग अगर ज्यादा पत्थर ला सकते हो, ज्यादा पत्थर ला सकते हो तो स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के साथ पत्थर अगर हम लोग पांच बार ले आते हैं, पांच से प्लस हो जाते हैं तब उसके बाद हम लोग नाम चेंज करने का सोचेंगे. वही तो कह रहा हूँ. परफेक्ट है वो. सात पत्थर स्टार्टिंग के. सेवन वाशु. वाशु फिर आफ्टर सेवंथ पत्थर कौन है? अभिरूप. शाइन. बट शाइन को क्यों? पर सर शाइन को डाल दो अभिरूप को. वो गेम खेलनी है ना. ठीक है वो बात अलग है कि अलायंस वलायंस बनानी है वो मेरे पे रहने दो. बट गेम तुम भी गेम खेलो. सो अगर तुम्हें दो नाम बोल रहे हैं मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों की आवाज भी सुनना चाहता हूँ. ठीक है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा कि एक ही के पीछे पड़ जाओ, दो के पीछे पड़ जाओ. झटका लगा तुम्हारा है. वाशु या इनमें जाती जाती रेस्ट लगा. रेस्ट मैं बोलूंगा मैं वाशु बोला. ठीक है बाकी मैं फिर गेम बनाऊंगा कैसे बनानी है वो मेरे पे छोड़ दो. ओके सर. एनीथिंग एल्स? बस सर इनका डन. ठीक एक बार करते हैं अच्छे से करते हैं. विल डू इट एंड अभी अच्छे से पत्थर फेंक लो. सचिन एंड्योरेंस रखना. यस सर. और ब्रो एंड्योरेंस ये तो सर कर लेगा. एंड्योरेंस सर विश्वास कर लो. नीचे टच हो गया ना आउट आउट. और तू अगर एंड तक खड़ा भी रहा ना तो भी जीत जाएगा. तो भी जीत जाएगा. एक और स्ट्रेटजी आप पत्थर जो है हैवी लाना उनके टीम के लिए. उनकी टीम के लिए 7 मिनट्स एंड्योरेंस है ऑलरेडी. 7 मिनट्स एंड्योरेंस हम लोग होल्ड करते हैं. हैवी लेके आया, हैवी पत्थर लेके आया. दिमाग लगा भाई आप सबसे स्ट्रांग हो तीनों में. अरे सर सचिन कर लेगा. सचिन कर लेगा सर. एक सेकंड एक सेकंड. सचिन यस सर एक चीज मुझे बता हैवी पत्थर कैसे सर छूटने में ज्यादा चांस है. पर तू मेरी तरफ आएगा ना मुझे पत्थर फेंकना पड़ेगा. सर पागल हो गया तुम लोग. नहीं सर तो वो मिडिल वाला थोड़ा पकड़ना पड़ेगा. इसके लिए हालत उनकी तरफ से कौन है? उनकी तरह अभिरूप. अभिरूप पदम सर आपको ऑपोजिट टीम में फेंकने होंगे ना. सर आपको ऑपोजिट टीम में जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं आप उनके एम कर रहे हो. चलो सर तो आप ओके मैम के पोटली में डाल रहे हो. चलो गाइस पत्थर का ध्यान रखियो तू. ठीक है सर पत्थर का ध्यान रखियो तू. उसके हैवी ना हैवी स्टार्टिंग में हैवी बीच में वो डालेगा. हाँ नहीं तो ऑपोजिट गैंग में जाएगा वो. तो सर आपको जो पत्थर है ना वो आपको ऑपोजिट गैंग में डालना है. डीएम हम देंगे. चलो लेट्स चलो गणपति बाप्पा.